हेलो गाइस, कैसे सब लोग? तो भाई सुबह हो गया, सबको मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग और राम राम सबको भाई। तो भाई मैं बता देता हूँ यार, मैं अभी भीमताल में हूँ। उसकी भी एक लंबी कहानी है, तो वो मैं थोड़ी देर बाद में बताऊंगा। तो अभी यार सुबह सुबह हो गया, आपको बाहर का नज़ारा दिखा देता हूँ। बहुत वैसे मैं यहाँ पे सोया था, मैं हमें होस्ट मिल गए थे भीमताल के अंदर, तो हम उन्हीं के घर पे हैं। आप देख सकते हो यार, ये यहीं पे सोए थे हम। अभी अभी दिल्ली से शिफ्ट हुए हैं यहाँ पर, तो काफी अच्छी लोकेशन और काफी अच्छा घर है, आप देख सकते हो। तो भाई बाहर का मौसम काफी अच्छा है यार, बिल्कुल पहाड़ों के बीच में देख सकते हो। ये मेन डोर है, मेन डोर से आप देख सकते हो यार भीमताल का नज़ारा कुछ ऐसा है। बाकी यार अभी ना थोड़ा ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट का टाइम हो गया, तो थोड़ा ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। मैसेज करके बता दिया कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ रखी है। इधर रसोई है, तो चलते हैं। हेलो, कौन गुड मॉर्निंग। सा गुड मॉर्निंग, आप क्या बना रहे हैं? पालक? पालक अच्छा, पनीर तो भाई लोकेशन भी काफ़ी अच्छी है और घर भी बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ, आप देख सकते हैं। बाकी अभी थोड़ी देर बाद में हम एक्सप्लोर करने जाएंगे भीमताल। भीमताल लेक भी है इधर, और एक नीचाऊ नाम की लेक भी है, मुझे नाम याद नहीं आ रहा ढंग से। तो दोनों लेक हैं। तो अभी कॉर्न फ्लैक खाते खाते हम आपको बताएंगे कि हम यहाँ पे कैसे आ गए सीधा हरिद्वार से एकदम, तो भी बताते हैं उसकी कहानी आपको। चेन्नई कितना किलोमीटर चढ़ना पड़ता है? कितना किलोमीटर चढ़ना पड़ता हुआ? ओह किलोमीटर माय गॉड, भाई साहब हम होगा शायद। चलते हैं फिर गांव में, व्लॉग शूट करके आएंगे। चल हाँ, व्लॉग शूट करके आएंगे फिर। अच्छा, ऊपर तक गाड़ियां जाती हैं, फिर तो ठीक है, चलेंगे देखते हैं। क्या नाम है गाँव अपने का? ओके, ठीक। ओके, तो भाई अपना कॉर्नफ्लेक्स क्या है? कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क। तो भाई ब्रेकफास्ट हो गया अपना, तो मैं बता देता हूँ अभी कि हम हरिद्वार से सीधा भीमताल तक कैसे पहुंच गए। तो इसकी भी एक कहानी है यार। हम वहाँ पे बैठे हुए थे, कुछ समझ नहीं आ रहा था, बारिश बहुत तेज हो रही थी, कहाँ जाए कहाँ निकले कुछ समझ नहीं आ रहा था। लग रहा था कि उत्तराखंड ट्रिप स्पॉइल होने वाला है। और तो फिर अचानक से मुझे याद आया कि मैंने नैनीताल में भी किसी को होस्टिंग के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया हुआ था। तो मुझे जब भी जहाँ पर हूँ मैंने इन्हीं को ही रिक्वेस्ट सेंड किया था। तो मैंने इनसे बात किया कि और वेदर के बारे में पूछा कि कैसा है वहाँ का। तो फिर पूछा, उन्होंने कहा ठीक है, अभी तो ऑरेंज अलर्ट है, अभी इतना रेड अलर्ट नहीं है इधर, और बारिश इतनी ज़्यादा है भी नहीं जितनी उधर है। तो फिर हम उठ के आए, तो वही तो हम सीधा वहाँ से बस में बैठ लिए और बस में बैठ के इधर आ गए सीधा डायरेक्ट। हमने कहा कि वहाँ चलते हैं, वहाँ पे अगर सही रहा तो उधर एक्सप्लोर करेंगे कुछ। तो यही कहानी थी। तो भाई ऐसे करके हम सीधा भीमताल पहुंच गए। तो यार लोकेशन काफी अच्छी है। तो अभी नेक्स्ट प्लान क्या है, हम अभी वही सोच रहे हैं कि यहाँ से हम कहाँ जाएं। तो हम देख रहे हैं, अगर केदारनाथ ओपन हो जाता है तो हम केदारनाथ की तरफ निकलेंगे, नहीं तो हम अपने अपने घर निकलेंगे। क्या है ना कि रिस्क लेना नहीं चाहते। तो भाई अभी खाना खा लेते हैं यार, खाना लग चुका है लंच। तो हाँ आंटी जी और अंकल जी आज ही आए हैं। नमस्ते। नमस्ते आंटी जी, अंकल हाय जी, नमस्ते अंकल जी। तो अभी आए हैं, तो अभी हम सब साथ में खाना खाएंगे। खाना लग चुका है, तो आज बनाया हुआ है चावल और अच्छा पालक पनीर और आलू है, आलू गोभी। ओके, ये देखो भूखी स्टार्ट हो गई यार, तुम लोगों ने तो मेरे को भूखे से है। टैग ही दे दिए हैं। इट्स चल वेरी अनफेयर, यू नो। या।
तो भाई साहब खाना हो चुका है यार, टेस्टी फूड ना। तो अभी मैं बाहर आ गया हूँ घर से, तो आप देख सकते हो यहाँ पे यार बाहर का नज़ारा बहुत अच्छा है। बारिश होने के बाद ना इधर काफी अच्छा नज़ारा हो जाता है यार, देखने काफी अच्छा लगता है यार। बारिश के बाद जो मौसम सुहाना सा लगता है ना, आप देख सकते हो। What's your name? राही। राही। तो भाई अब बात ऐसी है ना कि अभी हम जा रहे हैं भीमताल एक्सप्लोर करने के लिए। अभी हम जाएंगे कौन सा, नकचू ताल, नहीं नकुचिया ताल। तो भाई नाम ही ऐसा है, क्या करूं, मुझसे लिया ही नहीं जाता। तो भाई हम चल रहे हैं, ये भी जा रही है, पता नहीं इसका कैसा गिम्बल है, सेट ही नहीं होता मुझसे। ठीक होता है। है भाई, तू ठीक है, तू रे। तो भाई जगह बहुत प्यारी है, आप देखो एक बार, एक बार घर देखो यार कितना प्यारा है। तो चलते हैं यार, आपको दिखाते हैं आज नकुचिया ताल, फिर उसके बाद वो दिखाएंगे भीम ताल। तो भाई चल दिए हम उधर, वो देखो वो जा रही है व्लॉगिंग अपना करते हुए। तो भाई नकुचिया ताल कितनी दूर है, 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है वॉकिंग यार। डिस्टेंस। आप नीचे की तरफ जा रहे हैं तो अपने आप कदम भगते जा रहे हैं मेरे। चलो भाई चल रहे। हाँ। तो भाई आप यहाँ का एकदम नज़ारा देख सकते हो यार, कितना प्यारा है ना, मजा आ रहा है, काफी पीसफुल जगह है एकदम। ये क्या है भाई, देख सकते हो यार नाशपाती कितनी सारी लगी हुई है यहाँ पे, पूरा लदा बड़ा है यार। साला अगर ये हमारे गांव में होता तो एक भी नहीं मिलता इस पे भाई। अपने क्या है ना कि अपने वहां एक भी नहीं छोड़ेंगे। ये भीमताल के लिए जाएगा रोड, और इधर ये जा रहा है आपका नकुचिया ताल के लिए। तो देख सकते हैं यार आप कितनी बड़ी हनुमान की मूर्ति लगी हुई है, वाह। तो भाई क्या ना, ये यहाँ की खास बात ये है ना कि यार आपको है ना यहाँ पे छोटे छोटे रेस्टोरेंट और छोटी छोटी जगह पे, यानी कि कैफेटेरिया और फूड कोर्ट ये सब मिल जाएंगे यार छोटे छोटे। और देखने में वो फूड कोर्ट और कैफेटेरिया बहुत अच्छे लग रहे हैं देखने में, और होम स्टे इतने ज़्यादा है ना इधर, मेरे को लगता है घर कम होम स्टे जाते हैं सच में। तो गाइस आपको यहाँ पे देख सकते हो एक बोर्ड लगा हुआ है जो हॉट एयर बैलून राइड का और ATV बाइक राइड का। तो ये यहाँ से 700 मीटर है इधर इधर की तरफ, और अभी ना कुछ ये ताल है इधर नीचे की तरफ। तो जा रहे हैं यार, यहाँ पे एक्टिविटीज तो काफी ज्यादा है, ये तो है। हैं ये लेक के लिए इधर से ही क्या, आ जा। अच्छा थैंक यू। तो वैसे मैं नकुचिया ताल पे पहुंच चुका हूं, तो यार मैंने चाय ऑर्डर किया है, अभी वो ओपन नहीं हुआ है कैकिंग के लिए, सो चाय पी रहा हूं। तब तक वो आते हैं, मैं अभी उनको कॉल भी किया था, वो कह रहे थोड़ी देर में आ रहा हूं तो मैं बता देता हूं। तो एक्चुअली अभी मैंने एक चाय ऑर्डर किया और एक पराठा मंगवाया, मैंने कहा थोड़ा ब्रेकफास्ट हो जाएगा, एक ब्रेकफास्ट हो जाएगा फिर उसके बाद देखते हैं, वो आते हैं तो उसके बाद चलते हैं अपने करना। तो भाई अपना आलू पराठा आ चुका है, पराठा है और ये अचार है नींबू का और मिर्ची का। तो चल इसको करने के बाद हम चलते हैं यार कैकिंग के लिए। आज का प्लान यार, मैं आज का क्या प्लान है कि मैं सोच रहा हूँ कि आज मैं निकल जाता हूँ वो अपना केदारनाथ की तरफ। सो अभी तो कुछ पक्का 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 है नहीं, अगर मौसम सही रहा तो मैं निकल जाऊँगा, तो देखते हैं क्या कहाँ लेके जाते हैं आज हमें हमारी जिंदगी। चलते हैं तो अभी थोड़ा पराठा खा लेते हैं यार। तो बस बारिश आने लग, बहुत तेज बारिश स्टार्ट हो गई है, तो मुझे बीच में पराठा उठा के भागना पड़ा वहां से, तो अभी मैं बाहर बैठा था और अब अंदर आके बैठ गया हूँ यार।
यानी कि कभी भी बारिश का तो कुछ पता ही नहीं है यार, कभी भी आ जाती है यार, क्या है समझ ही नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, चलो अपना पराठा फिनिश करते हैं यार। तो वैसे तो गाइस हल्की हल्की थोड़ी सी बूंदा बांदी सी हो रही है, हल्की हल्की मी 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 मी, तो देखते हैं यार। मैं तो इसी ऐसे मौसम में ही कैकिंग का एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ, और वो आ चुके हैं। उनका नाम मनु मनु है, मनु भक्त, बट यहाँ पे सब मनु दाव करके बुलाते हैं उनको। तो अभी उनसे मिलाते हैं और उन सब चीज़ों के प्राइजेस के बारे में, फेयर के बारे में पता करते हैं, आपको बताते हैं सब चीज़ का, एक एक करके आपको बताएंगे। अगर आप आते हैं तो उनसे मिल लीजिएगा, मैं उनका नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो चलते हैं। तो यही है भैया मनुदा, हाँ वैसे मनु भक्त नाम है आपका, बट सब मनुदा करके ही बुलाते हैं भाई को। चलो थोड़ा सा आपको थोड़ी सी आपको जानकारी दे देते हैं सबके प्राइजेस के बारे में, बता देता हूँ कौन क्या किंग, और इसको क्या बोलते हैं, जोरविन, वाटर जोरविन ना, हाँ जोरविन, तो वाटर जोरविन सबका आपको, और आपको और वो क्या है उसको क्या बोलते हैं, और भाई से पता करते हैं कि क्या क्या है। तो भैया आप बता सकते हो कि इसका क्या प्राइस होगा? इसका 200 पर पर्सन रहता है, 200 अंदर जाके आपको रनिया क्रॉल करना होता है। ओके, जितना आप रनिया क्रॉल करेंगे बोथ साइड 50 मीटर का रोप है, हमारे हाथ पर रहेगा कंट्रोलिंग रोप, आगे को रन करना है पीछे हम देते हैं। अच्छा अच्छा, और क्या किंग है? 300 पर पर्सन। ओके, काफी इजी रहता है, काफी लाइट वेट रोल रहता है। सही कहा, हाँ मैंने काफी किया हुआ है, रो करना बहुत इजी रहता है, तो फास्टेस्ट बोट यही रहते हैं। अच्छा चलो, राफ्टिंग रहता है, स्टिल वाटर के लिए कायाकिंग ये रहता है बेस्ट। तो लोगों का जो बेस्ट चॉइसेस क्या होता है सब में से अगर देते हैं? जॉर्बिंग एंड जिपलाइन। जिपलाइन, अच्छा जिपलाइन का क्या प्राइसेस है? जिपलाइन रेट 200 मीटर का है, सामने जो टावर दिख रहा है ये आपका है। अच्छा, ये वाला हाँ, और जो ऊपर वायर दिख रही है वो 800 का है, वो 1200 पर पर्सन का है, और ये 500 वाला 200 मीटर्स का है। 200 मीटर्स मैंने लेंथ है इसकी लंबाई। ओके, तो और उसका रेट? उसका 500 रुपया, और बड़ी वाली का 800 मीटर वाली का 1200 रुपया। ओके चलो गाइस, आपको सब चीज के रेट के बारे में पता चल गया कौन सी चीज क्या चीज है। और ये बोट जो खड़ी है इनका क्या प्राइस है? सिकारा अलग अलग है, सिकारा नॉर्मल सेटिंग आपका 400 रहेगा। अच्छा अच्छा, जो बेड बना होगा 500, और जिसमें सोफा रहेगा वो 600। अच्छा, कंफर्ट और डेकोरेशन के हिसाब से। और ये डक बोट का आपने कितने बताया था? 2 सीटर का 200, 3 सीटर का 4 सीटर का 300। अच्छा, ओके, हाँ हाँ 4 सीटर भी है। तो ये आप डक बोट देख रहे हो गाइस, इसमें ना एक 2 सीटर भी है और 3 सीटर और 4 सीटर भी है, सॉरी 4 सीटर भी है और 2 सीटर है, और जो 2 सीटर है उसका 200, और जो 4 सीटर है 4 सीटर का 300। ओके तो गाइस आप देख सकते हैं, बाकी यहाँ पे ना सिकारा बोट जो है वो तीन चीजों में मिल रही है। एक तो है आपको, एक तो आपको बिल्कुल स्टैंडर्ड है, और एक थोड़ा मीडियम यानी कि लाइट वेट, हाँ बेड वेट, और एक सोफा बेड में मिल रही है, यानी कि तीन कैटेगरी में आपको सिकारा बोट मिलेगी, जिसका प्राइस सबका अलग अलग है। जो सिंपल है उसके क्या है? 400 और देन 500 में बेड, 500 बेड वाली, और 600 में सोफा, 600 में सोफा वाली। तो गाइज आप देख लेना, जो भी आपको पसंद हो जैसा भी हो, तो भाई से आगे बात कर लेना, भाई का मैं नंबर अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, मनु भक्त नाम है भाई का, और काफी अच्छा लगा है मिलके भाई से। तो भाई ने नंबर दे दिया था मुझे, मैंने बोला था कि सुबह सुबह मुझे करना है, क्या नहीं कल रात हो गया था और बारिश भी होने लग गया था, इस वजह मैंने नहीं किया था। तो चलते आपको एक्सपीरियंस करवाते हैं थोड़ा बहुत ट्रैकिंग का। नैनीताल का सबसे खूबसूरत जगह है, वो है एक झील जिसका नाम है नौकुचिया ताल। नौकुचिया ताल का मतलब ये तो 9 कोनों का झील। नैनीताल जिले में एक छोटा भारतीय हिल स्टेशन है जो कि 175 फीट गहरी है और समुद्र तल से 1220 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ पर बहुत आसपास में सारे पेड़ पौधे दिख जाएंगे आपको देखने के लिए, और सबसे सुंदर नज़ारा ये है कि ये ताल है ना जो 175 फीट गहरा है, मतलब यहाँ तक का सबसे गहरा तालों में से एक ताल ये है। तो भाई वैसे ये 30 मिनट्स का देते हैं, पर मेरे को 1 घंटे का भाई ने बोल दिया क्या 1 घंटे तक आराम से घूम सकते हो, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई सा भी एक हाथ चलाओगे अपोजिट टर्न में, राइट चलाओगे तो ओनली राइट, लेफ्ट जाएगा लेफ्ट चलाओगे राइट। ओके ठीक है, डन सर, ठीक है डन।
तो भाई आए तो हम कैकिंग करने थे, तो बारिश इतनी तेज होने लगी है यार, क्या बताएं यार, बहुत तेज बारिश हो रही है, आप देख सकते हो, आप बहुत ही तेज, मतलब यार पहाड़ों का कुछ पता नहीं यार, कब बारिश हो जाए, कब वेदर चेंज हो जाए। तो जब मैं आया था तो काफी धूप निकली हुई थी और अचानक से यार पूरा मौसम ही चेंज हो गया है। आप देख सकते हो पूरी लेक में बारिश से जम 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 प्यारी प्यारी बारिश हो रही थी यार। मैं क्या की थोड़ा सा ही अंदर लेके गया था, इतने में बारिश बहुत तेज हो गई। मैंने कहा भाई भागो भागो, हाँ तो डूब जाते भाई। छोटे भाई ने केकड़ा ही पकड़ लिया यार, ये देखो शकल में दिखा रहे हैं, कितना खतरनाक लग रहा है। आज पहली बार मैं जिंदा केकड़ा देख रहा हूँ, वरना साउथ में गया था तो बिल्कुल मरे हुए केकड़े देख रहा था, और वहाँ पे लोग पका पका के भी खा रहे थे। वाह, ये आंखें हैं इसकी दो है ना, अरे भाई चला के यार काफी मजा आ रहा है यार मेरे को, बड़ा पहली बार मैं अकेला ही क्या की ड्राइव कर रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है, काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहेगा ये मेरे लिए और सबसे यादगार रहेगा। और भाई चश्मा लगा लेते हैं यार, अच्छे दिखते हैं यार चश्मा लगाने के बाद में। तो वैसा काफी मजा आ रहा है यार, और मैं सोच रहा हूँ यार अब चलते हैं बाहर, क्या है ना कि काफी टाइम हो गया, आधे घंटे से भी ऊपर हो गया है, तो यार मेरा जाने का तो मन नहीं कर रहा, पर बारिश की वजह से मुझे भागना पड़ रहा है कि फिर से बारिश हो गया तो फिर से भीग जाऊंगा, बड़ी मुश्किल से तो सीखा हूँ, मेरा पजामा तो पूरा ही गीला पड़ा, अंदर तक गीला हो चुका हूँ यार। तो भाई बारिश इतनी हो रही है ना, एक घंटे से ना पूरे बारिश में भीग रहा हूँ यार। वही क्या है ना कि अब हम निकल रहे हैं यहाँ से, हमें तो 2 नाइट हो गया है यहाँ पे रुके हुए, तो अभी बारिश बहुत है इसलिए मेरा आगे जाने का प्लान कैंसिल हो चुका है, तो अभी निकल रहे हैं। बस रेडी हो गया सबका, मेरा भी देख सकते हो आप पीछे सामान।
तो गाइस अपनी जर्नी स्टार्ट हो गई है फिर से, तो चलते हैं बाय। तो भाई चलो अब देखते हैं भाई, प्लान ऐसा है ना कि बारिश बहुत है इधर और लैंडस्लाइड भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मैं भाई वापस दिल्ली जा रहा हूँ और दिल्ली जाके फिर बाद में सोचूंगा कि मैं कहाँ निकल सकता हूँ। सोच रहा हूँ कि मानसून रेस्ट ही कर लूँगा, क्या करूँ यार। तो बच्चों की छुट्टी भी हो चुकी है यार, ये स्कूल है छोटा सा शायद, ये कितने कौन सी क्लास तक का होगा यार, पाँचवीं तक का होगा, फिफ्थ क्लास, एट तक है, गवर्नमेंट स्कूल है, राजकीय माध्यमिक विद्यालय। वाओ, हेलो गाइस, नोमेडिक आर्यन, ओके फॉलो करना, सब्सक्राइब करेगा ना, हाँ चल ठीक है, हाँ नोमेडिक आर्यन, यस, या हेलो यो थैंक यू, ओके ओके थैंक यू, या थैंक यू सो मच, बाय। बात ऐसे ना कि हमारे पास ना पैसे नहीं है यार, तो हमने दुकान पे बोला है, उसको भेजा है मैंने लड़की, उन्हें ये तो फ़ायदा है कि कोई ना कुछ जुगाड़ हो ही जाता है, तो उसको मैंने भेज दिया है पैसा, मैंने बोला कि फ़ोन पे कर देंगे, कैश दे रहे हैं या नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पे ना ATM है ना कुछ, हमें कुछ और मिल रहा है। तो गाइस बात ऐसा ना कि हेल्प नहीं मिली यार, कह रहे हैं कि नहीं हो पाएगा, जा सकते हैं, फिर वो चाहे ATM वो भी नहीं, मतलब किस्मत के एल लगे पड़े हैं पूरे पूरे, अरे बाप रे। तो भाई देख सकते हो यार, जब से मैं आया हूँ तो सामान ऐसे बिखरा पड़ा है इधर उधर, अपना लैपी और ये सामान ऐसे उल्टे पुल्टे पड़े हुए हैं कपड़े, क्योंकि यार मैं इतना थका हुआ था कि मैं क्या करूँ, कुछ काम ही नहीं हो पा रहा है, वीडियो एडिट भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो यार समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, एक तो कोई प्लान ही नहीं बचा मेरे पास कि मैं जाऊँ तो जाऊँ कहाँ, तो बताता हूँ मैं फिर इससे आगे वाली वीडियो में कि मैं कहाँ जाने वाला हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को जरूर दबाना। वीडियो करते हैं यहाँ पे समाप्त, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत। तो गाइस मिलते हैं एक नेक्स्ट